लगातार खबरों के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं अगली खबर सिंगरौली से ही है, जहां सिंगरौली जिले के निगरी हलका पटवारी बता दें महिपाल सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार शिकायत पर शिकायत होने के बावजूद भी तहसीलदार सराई के नायब तहसीलदार पटवारी महोदय के कमरे तक आते हैं और अपनी ही गाड़ी में उठाकर बैठकर साथ में ही चले जाते हैं। लोग देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर बता दें इतनी गहरी शिकायत होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आगे जिन व्यक्ति का तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, इनका पटवारी साहब के कमरे से जस्ट बगल में ही घर है और इनके द्वारा 2015 में जमीन लिया गया और जमीन लेने के बाद यहाँ पर सीमांकन व यहाँ पर कागजात के लिए पटवारी साहब को 15,000 रुपए दिया गया। बता दें 10,000 रुपए इनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा खाते में ट्रांसफर किया गया है, 3,000 रुपए खेत में दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक उनका कोई भी कागजात पूर्ण नहीं हो पाया है। अब वो दर्जर की ठोकरे खाने को मजबूर। मेरी घर है, 2015 में जमीन ली, महिपाल सिंह को 10,000 रुपये दिए, नक्शा तरमीन लिखाई पढ़ाई का, लिख पढ़ तो दिए, आज तक मारे नक्शा तरमीन नहीं कटा, अब कहा था कि फिर खर्चा दे, हम कहाँ पाए 3,000 रुपया नापे की तो दिए। क्या नाम है आपके हल्का पटवारी का? महिपाल सिंह। और ये पूरा मामला कब का है? 2015 से है। तो 2015 में आपने जमीन लिया था, तो अभी तक उसका आपके नाम पर कागज नहीं हुआ? क्या क्या बोल रहे हैं पटवारी साहब? पटवारी साहब का नक्शा तरमीन कटेगा तो पैसा लगेगा। तो आप पैसा उसका जो लगता है दिए हैं आप? जी। कितना दे दिए हैं? दे दिए 10,000, 10,000, 13,000। किसको दिए? पटवारी साहब। तो अब पैसा देने के बाद क्यों नहीं हो रहा है? वो तो खर्चा लगेगा, पुनः से खर्चा लगेगा। तो पैसा कैसे दिए थे आप? हाथ में दिए थे कि मोबाइल से डाले थे? खाते में? खाता में ट्रांसफर किए। खाता में डाले हैं? स्टेटमेंट मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए। तो महिपाल सिंह के खाते में पैसा आप डाले थे? पटवारी साहब के? और जब खाते में डाले थे तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की? आपका जमीन आप वैसे ही रह गया जैसे था, जैसे आप लिए थे उन्हीं के नाम पर है? तो अभी फिर पुनः से खर्चा ही मांगा जा रहा है? तो क्या शिकायत भी कहीं कर चुके हैं पहले? नहीं किए, शिकायत कहीं नहीं की है। काम बन जाए चाहिए, हम अभी नहीं चाहते हैं ना शिकायत ना कंप्लेन, कुछ नहीं चाहते हैं। तो आपका काम हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। तो जो पैसा दिए हैं आप पटवारी साहब को, जैसा कि आप ही बता रहे हैं, तो क्या वो पैसा आपको रिटर्न मिल गया? नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं साहब? तो जब आप काम आपका कुछ हुआ नहीं तो पैसा क्यों नहीं मिलेगा? कब से है इस क्षेत्र में जो आपके निगरी हलका के पटवारी हैं, वो कब से यहाँ कार्यरत है? 2015 से आज दिनांक तक अभी निगरी में ही है।